सो भाई फाइनली रेडमी नोट 13 प्रो प्लस जो है कि आने वाला है, इसके लीक्स आ चुके हैं और ये स्मार्टफोन जो है कि अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है। कुछ स्पेसिफिकेशन जो है कि सामने आए हैं उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आपको 6.7 इंच का ओलेड डिस्प्ले मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का दिया है। वहीं इसमें मीडिया टेक डायमेंसिटी का चिपसेट दिया जा सकता है, इसकी पूरी गारंटी नहीं है, ये चीज़ें बताई गई है। इसमें आपको 8 GB रैम मिलेंगी, 256 GB इंटरनल स्टोरेज होगा। वहीं इसमें आपको जो है कि 200 MP का रियर कैमरा मिलेगा। फ्रंट में आपको सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए 16 MP का कैमरा होगा। अन्य कितने मेगापिक्सल का कैमरा होगा इसकी अभी कोई भी अब पुष्टि नहीं की गई है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 120 वोल्ट फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। तो जो लीक्स आए हुए थे मैंने उन्हीं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। इसके आगे जो है कि कोई भी ऑफिशियली जो है कि जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई है। अगर हाँ किसी वीडियो में आपको बताया जाता है कि ये चीज़ है वो चीज़ है तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो ऑफिशियली होती है।